प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है और ग्रुप डी हरियाणा में परीक्षा परिणाम अब घोषित कर दिया गया है। जी हां, हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम घोषित। एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खदरी ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। आपको बता दें, प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, एचएससी की तरफ से ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। प्रथम चरण की बात करें तो बिना आर्थिक और सामाजिक अंक जोड़े मेरिट वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया है। बाकी पदों का परिणाम आर्थिक और सामाजिक अंकों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। एचएससी चेयरमैन भोपाल खदरी ने इसको लेकर जानकारी भी दी कि ग्रुप डी में 10,997 कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं। सभी चयनित उम्मीदवारों को 2 दिन में नौकरी ज्वाइन करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद संस्थान खोले रखें, ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले की हरियाणा सरकार करीब 11,000 युवाओं को ग्रुप डी की नौकरी दे रखी है। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, ग्रुप डी के लिए देखिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10,997 अभ्यर्थी हैं और युवाओं के लिए बड़ी खबर है, हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वही शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद कहा गया है कि कार्यालयों को खुला रखें ताकि इन लोगों की ज्वाइनिंग हो सके और प्रयास लगातार यही किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग हो जाए।